welcome to Radition Root online classes by Radition the School Jaywar. Good morning, my dear student. I am class teacher of UKG A. Today I am teaching Hindi, English and Maths. Okay, class. आप अपनी इंग्लिश की नोटबुक अपने पास रख लीजिए एंड पेंसिल स्टार्ट हो जाइए वर्क करने के लिए. व्हाट इज डे टू डे? आज डेट क्या है? आज डेट है 10. तो 10 यहाँ पे हम कैसे मेंशन करेंगे? 10. विच मंथ इज गोइंग ऑन? अप्रैल. तो अप्रैल कौन सा मंथ आता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल. तो यहाँ पे 4 लिखेंगे. वो फोर्थ नंबर पे आया ना, तो यहाँ 4 लिखा. और ईयर है 2020. यहाँ डेट मेंशन करना है हमें और यहाँ पे CW क्लास वर्क डालना है. सब्जेक्ट ये इंग्लिश है हमारा. आज हम कर्सिव राइटिंग ई सीखेंगे, क्योंकि आपने पहले तो आपने ABCD सीख लिए हो. तो लेट्स लर्न हाउ टू राइट कर्सिव ई. सबसे पहले हम यहाँ पे इंग्लिश की 4 लाइन होती है, उसकी सेकेंड लाइन से आप स्टार्ट करोगे, एक कर्व बनाओगे ऐसे राइट, बिल्कुल एज ए टीचर, जैसे मैम कर रही है आपको बिल्कुल वैसे ही राइट करना है. ओके, लेट्स ट्राई अगेन. Let's try again. Let's try again. अब देखिए ई साउंड से स्टार्ट होने वाली पिक्चर क्या होती है? अर्थ, एल्बो, एग और एलिफेंट. आप समझ गए? अब ऐसे ही आपको ई वन पेज एक सुंदर राइटिंग में बिल्कुल जैसे मैम ने लिखा है आपको फॉलो करना है. अब हम स्टार्ट करेंगे एफ. अब एफ से स्टार्ट होने वाली स्पेलिंग क्या है? देखिए, एफ से फ्रूट्स, फायर एंड फ्रॉग. ओके डियर स्टूडेंट, डू यू अंडरस्टैंड? अब हम एफ लिखेंगे. लेट्स लर्न एफ. आपको ऐसे फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करनी है और ऐसे कर्व लेके जाना है, बीच में आपको ऐसे करना है ये रेड से. और यहाँ पे हमें नीचे से सेकेंड लाइन से इसकी पूछ सी बनानी है स्मॉल एफ के लिए, और फिर हम ऐसे करेंगे. लेट्स ट्राई अगेन. एफ आपको ऐसे लिखना है. लेट्स ट्राई अगेन. लेट्स ट्राई अगेन. लेट्स ट्राई अगेन. आप ऐसी वन पेज राइटिंग करोगे, धीरे धीरे आपकी राइटिंग स्मूथ हो जाएगी और आप लिखना, आपको वन पेज ये लिखना है. अब हम रिकैप लेंगे. हमारे जो मैम ने पहले हमें ABCD लिखवा दी है, अब आज हमने F तक देखा कि कैसे लिखते हैं. तो आज यहाँ पे वन पेज राइटिंग हम A to F करेंगे, कर्सिव A to F. तो स्टार्ट करते हैं A. A B C D D. और जब भी हम कर्सिव लिखते हैं तो हमेशा हमें यह ध्यान रखना है कि हमें अपने हाथ को ऊपर बीच में ब्रेक नहीं करना है, बिल्कुल स्मूथली आपको लेके जाना है. ABCD E एंड F. अब आपको नेक्स्ट वन पेज आपको ऐसे यहाँ पे F करना है, और यहाँ पे भी आप डेट डालोगे 10/04/2020 एंड यहाँ पे आप लिखोगे क्लास वर्क. ओके स्टूडेंट, डू यू अंडरस्टैंड? इंग्लिश का वर्क डन. अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट हिंदी. यहाँ पे हमें लिखना है हिंदी. हिंदी में हमें लिखना है कैसे क्या. आज डेट क्या है? डेट है हमारा 10. तो यहाँ पे हम 10 डालेंगे. विच मंथ गोइंग ऑन? अप्रैल 04. एंड विच ईयर गोइंग ऑन? 2020. अब यहाँ पे आपको लिखना है क्लास वर्क. अब हम लिखेंगे क से ग तक. यहाँ पे आप कैसे लिखोगे? आपको 5 लाइन की हिंदी की नोटबुक लेनी है और हमेशा हमें सेकेंड लाइन से, मिडल वाली जो सेकेंड वाली लाइन है उससे हम स्टार्ट करते हैं. और 5 लाइन हम क्यों लेते हैं? कि हमारी राइटिंग सुंदर आए. आप अभी स्टार्ट कर रहे हो ना, लिखना सीख रहे हो, तो इसके बीच वाली लाइन में हमें, लाइनों के बीच में लिखना है. यहाँ पे हमें लिखना है का
ईया ट ठ ड ढ न फिर त थ द थ न प फ ब भ म य र ल व श श श ह छ त्र ज्ञ। आपको ऐसे वन पेज क से ज्ञ लिखना है बोल के और अच्छे से सुंदर राइटिंग में। अब हमें नेक्स्ट पेज में फिर हमें डेट डालना है 10/04/2020 और यहाँ पे डालेंगे क्लास वर्क। अब बाद का अक्षर लिखिए। आ के बाद क्या आता है? आपने आ आ आई मैम ने आपको बताया था ना। अब आ के बाद क्या आता है? आ के बाद आता है ई छोटी। ऊ के बाद क्या आता है? ऊ। ए के बाद क्या आता है? ए। ओ के बाद क्या आता है? ओ। अंक के बाद क्या आता है? आहा। ठीक है क्लास, आपको ऐसे ही हिंदी का वर्क करना है। ओके, टू पेज अच्छे से बिल्कुल सुंदर राइटिंग। अब नेक्स्ट हमारा वर्क है मैथ्स। अब मैथ्स में काउंट एंड राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेट डालोगे 10/04/2020 क्लास वर्क काउंट एंड राइट। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? काउंट करके यहाँ पे जो भी नंबर आएंगे वहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ पे ये ट्रायंगल शेप कितने आपको काउंट करना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हेयर राइट 9 काउंट करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये कितना है? 8। फिर इसे काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ हमें लिखना है 12। बिल्कुल लाइन बॉक्स के नीचे वाले लाइन को टच करके सुंदर से लिखोगे तो राइटिंग सुंदर आएगी। फिर काउंट करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो यहाँ राइट डाउन करेंगे 17। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो यहाँ लिखेंगे 19। ये वर्क हमारा डन। नेक्स्ट वर्क है राइट 1 to 40 फॉरवर्ड काउंटिंग। तो आपको यहाँ पे फिर डेट डालोगे 10/04/2020 और यहाँ पे आपको लिखना है क्लास वर्क CW और यहाँ पे टेंस एंड वंस। आपको 1 to 40 फॉरवर्ड काउंटिंग लिखनी है। तो आप ओ से वंस से स्टार्ट करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लाइक दिस आप ये सारे वर्क करोगे। मैथ वर्क इज डन। ओके स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग सैंड एक्टिविटी। आपको क्या करना है? एक ट्रे में सैंड लेना है और सैंड लेके आपको अपने इंडेक्स फिंगर जो थंब के बगल वाला फिंगर होता है इंडेक्स फिंगर उससे आपको हम अभी तक जितने भी लेटर्स हमने लिखना सीखा है उसे आपको इसमें प्रैक्टिस करना है कि हमें कैसे लिखना है। जैसे मैम आपको लिखना बता रही है कर्सिव ए। कर्सिव ए आपको कैसे लिखना है आप सैंड में ट्राई करोगे। फिर कर्सिव स्मॉल ए कैसे लिखना है आप यहाँ पे मैम की जैसे ऐसे करोगे। फिर आप इसे करके फिर आप बी भी स्टार्ट करोगे। नेक्स्ट आप बी कैसे लिखोगे? कर्सिव बी ऐसे। और ऐसे आपको ये एक्टिविटी करनी है और वन स्नैप मैम को इसका भेजना है। ओके, हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ यू।